हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सिरके के बारे में। क्या आपको पता है सिरके के ये 7 बेमिसाल इस्तेमाल? फ्रेंड्स, सिरके का इस्तेमाल अचार, चटनी और खाने की कई चीज़ों में किया जाता है, लेकिन रसोई से हटकर भी इसके तमाम फायदे होते हैं। हम आपको सिरके के कुछ ऐसे ही हैरान करने वाले प्रयोगों के बारे में बताएंगे। घर सवारने और खूबसूरती निखारने में आपकी खूब मदद करता है सिरका। जिद्दी दाग हटाने में, अक्सर हमारे कपड़े पसीने के दाग की वजह से खराब हो जाते हैं। हल्के रंग के कपड़ों के साथ ऐसा खास तौर पर होता है। कपड़े धोने से पहले इन दागों पर स्प्रे करने वाली बोतल से सिरका छिड़के, दाग आसानी से गायब हो जाएगा। फूलों को तरोताजा रखने में, गुलदस्ते में फूलों को ज्यादा देर तक तरोताजा रखना मुश्किल होता है। उसको देर तक फ्रेश बनाए रखने में सिरका काम आएगा। फूलदान के पानी में एक चम्मच सफेद सिरका डाल देंगे तो फूल देर तक ताजे रहेंगे। परफेक्ट अंडे उबालने में, कई घरों में अंडा नियमित तौर पर प्रयोग होता है। उनको उबालते समय गर्म पानी में थोड़ा सिरका मिला दीजिए तो अंडों में क्रैक नहीं आता और इस तरह अंडे का सफेद हिस्सा फैलता नहीं है। चींटियों को भगाने में, क्या आपको पता है कि चींटियों को सिरका अच्छा नहीं लगता? अगर घर में चींटियां हैं तो कोनों में सिरके और पानी को बराबर मात्रा में मिलाकर छिड़क दें। कुछ ही देर में चींटियां आपका घर से गायब हो जाएंगी, भाग जाएंगी। फर्श और फ्रिज की सफाई के लिए आपको जानकर हैरानी होगी कि पानी और सफ़ेद सिरके का घोल फर्श, फ्रिज और रसोई की अलमारियों को साफ करने में बहुत मददगार होता है। हालांकि इस संगमरमर या ग्रेनाइट के फर्श पर इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा फ्रिज से खराब खाने की बदबू हटाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। बालों को चमकदार बनाने के लिए, क्या आपको पता है कि एक मग पानी में आधा चम्मच सिरका मिलाकर बालों पर डाला जाए तो बाल एकदम खिले खिले और चमकदार हो जाते हैं। इस उपाय से हालांकि थोड़ी देर में के लिए आपको बालों में महक नहीं आती, लेकिन बाद में इसका नतीजा देखकर आप हैरान हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये थे सिरके के कुछ बेनिफिट। आप इन्हें लीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए, अपने रिलेटिव्स को बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर रोज की नई वीडियोस जो मैं डालती हूँ उनकी अपडेशंस आप तक पहुँचती रहें और आप उनका फ़ायदा ले सकें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।